लोकसभा चुनाव में वायनाड से नामांकन भरने के बाद आज राहुल गांधी अमेठी से भी नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने से पहले अमेठी में कांग्रेस का एक रोड शो भी होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मां सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ शिरकत करेगी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे भी इस रोड शो में शामिल होंगे। मतलब कि आज राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ अमेठी में पर्चा भरेंगे। बताया जा रहा है कि उनके रोड शो को मुंशीगंज दादरपुर के रास्ते से होते हुए गोरीगंज नगर जाएगा और रोड शो में काफी लोग शामिल होने की संभावना भी है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि इस रोड शो को बहुत ही भव्य बनाना है, यानी कि वायनाड के रोड शो से भी बहुत ज्यादा भव्य बनाना है। बता दें कि रोड शो लगभग 3 घंटे का होगा, उसके बाद 12 बजे राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ नामांकन भरेंगे। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में 3 बार सांसद बन चुके हैं। पहली बार 2004 में उन्होंने जीत हासिल की थी, उसके बाद फिर 2009 में जीत हासिल की। पिछली बार स्मृति ईरान से वो हार गए। स्मृति ईरान बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि इस बार भी अमेठी में राहुल गांधी के सामने चुनावी युद्ध में बीजेपी की नेता स्मृति ईरान ही मैदान में उतरी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अपनी सीट वापस हासिल करेंगे या फिर पिछली बार की तरह स्मृति ईरान ही बाजी मार जाएगी। SPN 9 न्यूज से आंचल की रिपोर्ट।